2024 चुनाव से पहले देश में सियासी पारा गरमाया हुआ है और इसी बीच ईवीएम का मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम दल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी पर ईवीएम हैकिंग का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा जा रहा है और ईवीएम पर लगातार खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर लगातार बयानबाजी की है। मुखर होकर वो बोलते आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल दाग दिया है। कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी का पिछले 5 सालों से ईवीएम पर जो बुनियादी प्रश्न है उन पर छानबीन करने के लिए समिति बनाई गई थी और तभी से हम उस पर कुछ सवाल सिविल सोसाइटी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं और अब चुनाव आयोग ने सिविल सोसाइटी के पत्र को स्वीकार भी नहीं किया तो लगभग 12 राजनीतिक दलों ने और फिर इंडिया गठबंधन ने उन सभी प्रश्नों के बारे में चुनाव आयोग से समय मांगा था, तो 4 महीने बाद उत्तर मिला जिसमें हमारे प्रश्नों का जवाब देने के बजाय राजनीतिक स्वरूप का उत्तर देते हुए बिना हमसे मिले हमारी मांगों को खारिज कर दिया गया। हमारी पहली मांग चुनाव बैलेट पेपर से हो ये थी और अगर चुनाव आयोग और भाजपा को ईवीएम से ही चुनाव कराना है तो वीवीपैट स्लिप वोटर के हाथ में दें और वो अपना वोट देखकर अलग से रखी मतपेटी में डाल दें। अब आपने देख लिया वोट डालते समय दिखता कुछ है और छपता कुछ है, ये बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह के द्वारा उठाया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग को जवाब देते हुए पत्र लिखा है। इस पत्र में कांग्रेस नेता ने लिखा है कि 30 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे पत्र पर आयोग ने जवाब दिया। मैंने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट पर चर्चा और सुझाव के लिए आयोग से मिलने का समय मांगा था लेकिन आयोग ने हमारी मांग को नहीं माना। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस पत्र में जयराम रमेश ने लिखा कि हमारी मांग मानने के बजाय आयोग ने हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद FAQ के जवाब पढ़ने की सलाह दी और जब हमने ये कहा कि हमारे सवालों के जवाब इन FAQ से नहीं मिल रहे हैं तो आयोग ने हमारे सवालों को ही गलत बता दिया। इससे ये साफ पता चलता है कि हम क्यों ईवीएम और वीवीपैट पर दर्शकों के सामने चर्चा की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चर्चा न करना बेहद चिंताजनक बात है।